अभी तो ये MID के अकॉर्डिंग एवरेज दिखा रहा है 22.9, जो कि काफी अच्छा है, और मुझे जहां तक लग रहा है ये अप्रॉक्स 20 के करीब तो निकाल ही रहा होगा, बिकॉज ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए MID और रियल टैंक टू टैंक माइलेज में, वो हम चेक कर लेंगे अभी। बट आई एम शॉक्ड यार, ये इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है इस में, जबकि इतना डिफरेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डिफरेंस आएगा। हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब। तो गाइज, आपकी डिमांड पे आज हम करने वाले हैं ब्रेजा का टैंक टू टैंक टेस्ट, एंड देखते हैं कि ये स्मार्ट हाइब्रिड कार कितना माइलेज हमारे को निकाल के देती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाते हैं, एंड फिर मिलता हूँ आपसे उसके बाद। फुल कर देना, ठीक है। हाँ, ऑटो कट तक मत करना, फुल कर देना ऊपर तक। ऊपर तक गिर दो इसको भी। बस बस ठीक है, बस रहने दो, अभी वो नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत आएगा, डालूँ? हाँ हाँ, डालो डालो, ऊपर तक कर दो। ठीक है, कम करो। कितना लीटर आया? हो गया 6 लीटर है। तो गाइस, पेट्रोल हमने रिफिल करा दिया है, अब सेकंड स्टेप है इस कार की ट्रिप को रीसेट करना। हम फटाफट इसकी ट्रिप रीसेट करते हैं, एंड फिर उसके बाद एवरेज रीसेट करके देखते हैं कि ये कार हमारे को अब कितना माइलेज देती है। सो अभी मैंने इसकी माइलेज और ट्रिप दोनों सेट कर दिए हैं, एंड अभी जो इसकी रेंज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 571 किलोमीटर। देन अब कार चलाते हैं एंड देखते हैं, अराउंड मैं सोच रहा हूँ इसमें अराउंड 20-25 किलोमीटर का रन करेंगे, एंड इसके बाद फिर से रिफिल करा के देखेंगे कार में, और देखते हैं कि कार कितना माइलेज दे रही है टैंक टू टैंक में, और क्या MID और एक्चुअल टैंक टू टैंक माइलेज में डिफरेंस आ रहा है इस कार में। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या माइलेज मिलती है हमें इस कार से। सो गाइस, ब्रेजा की माइलेज को लेके काफी लोगों में कंफ्यूजन रहता है। कई लोग बोलते हैं कि हमें इसमें 13-14 की माइलेज मिल रही है सिटी में, और कई लोग क्लेम करते हैं कि हमें 17-18 तक की भी माइलेज मिल जाती है सिटी में। तो बिकॉज ये स्मार्ट हाइब्रिड कार है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन भी इससे ज्यादा है, बिकॉज अब लोग पे कर रहे हैं तो लोगों को एवरेज भी, बिकॉज कंपनी सेल ही इसी पॉइंट पे कर रही है कि ये स्मार्ट हाइब्रिड कार है और ये आपको फ्यूल एफिशिएंट है ये कार, और आपको अच्छी इकोनॉमी निकाल के देगी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी इसलिए इस कार से ज्यादा हाई है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोगों ने डिफरेंट माइलेज क्लेम करी है इस कार को लेके, तो जैसे मैं पहले भी कई वीडियोज में बता चुका हूँ कि माइलेज जो होती है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है। आप किस तरह से कार ड्राइव कर रहे हैं, आपके ट्रैफिक कंडीशन आपको कैसी मिल रही है, जैसे अभी आप मेरे आगे देख रहे होंगे ट्रैफिक कंडीशन कैसी है। तो ये मैं गुड़गांव से दिल्ली जा रहा हूँ, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:15 का आसपास का टाइम है। तो अभी जो है ट्रैफिक कंडीशन वो नॉर्मल है, कहीं पर ट्रैफिक मिल रहा है और आगे जाके आपको ट्रैफिक नॉर्मल भी मिलेगा, तो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कंडीशन कैसी है, और उस सब सिनेरियोस को देख के आपकी एक एवरेज निकलती है कार में। तो बिकॉज ये स्मार्ट हाइब्रिड कार है तो इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है कि ये मुझे अच्छी एवरेज निकाल के देगी, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट देखते हैं फाइनली क्या एवरेज आती है इस कार से। तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्मार्ट हाइब्रिड जो इसमें कंपनी क्लेम कर रही है या कंपनी दे रही है जो स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन, वो मुझे थोड़ा गिमिकी लगता है, मेरे को इतना ज्यादा रिलायबल नहीं लगता जो अभी ब्रेजा में स्मार्ट हाइब्रिड कार था। बिकॉज इससे जो नेक्स्ट सेगमेंट की कार है इनकी ग्रैंड विटारा, उसमें जो हाइब्रिड ऑप्शन है, जो उसमें डबल बैटरी फंक्शंस जो मिलता है, डबल बैटरी का जो उन्होंने दे रखा है सेटअप, वो मुझे ज्यादा उसको उस पर मैं लाइक पूरा रिलायबल सेटअप है वो, और उसपे मैं ज्यादा मेरे को लगता है कि वो ज्यादा कैपेबल है और उसपे मैं ज्यादा रिलाय कर सकता हूँ, रादर देन ये जो स्मार्ट हाइब्रिड जो ऑप्शन इस ब्रेजा में आता है। इसमें एक बैटरी ऑप्शन मिलता है आपको, लिथियम बैटरी का ऑप्शन मिलता है, को पैसेंजर की सीट के नीचे कंपनी ने इंस्टॉल किया हुआ है, जो आपको हेल्प करता है आपकी माइलेज इंक्रीज करने में। तो वैसे गाइस, इसमें एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी आता है, जो कि मारुति की कई कार्स में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट सेलेरियो में भी दिखाया था कि सेलेरियो में भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर आता है, जो भी काफी हेल्प करता है आपकी माइलेज बढ़ाने में,
बिकॉज ये आपको जब आपकी कार आइडल पोजिशन में जाती है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट्स में, तो ये अपने आप इंजन ऑफ कर देता है एंड देन जैसे आप क्लच प्रेस करोगे तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफी हेल्प करता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में पेट्रोल की, तो वो ऑप्शन भी इसके साथ आता है और आई गेस वो काफी बेनिफिशियल फीचर है और कंपनी इसको कार में देना चाहिए। जैसे कि ये फीचर टाटा पंच में भी आता था पहले, जैसे मैं एडवेंचर मॉडल ओन करता हूँ टाटा पंच का, तो उसमें भी ये फीचर है, बट जो अब एडवेंचर मॉडल आ रहा है उसमें कंपनी ने ये फीचर हटा दिया है। बट मुझे लगता है ये फीचर कंपनी को देना चाहिए बिकॉज ये काफी बेनिफिशियल फीचर है और ये होना ही चाहिए कार में। अगर आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है कार से तो ये काफी हेल्प करता है आपको उसमें। सो गाइस, जैसे मैं अगर बात करूं, करंटली मैंने इस कार में अभी 6.4 किलोमीटर रन कर लिया है और ये मेरे को दिखा रहा है 22.9 की एवरेज। तो अभी तो जैसे 6.9 किलोमीटर ही रन किया है, 5 किलोमीटर ही किया है, तो अभी तो ये एमआईडी के अकॉर्डिंग एवरेज दिखा रहा है 22.9, जो कि काफी अच्छा है। और मुझे जहां तक लग रहा है ये अप्रॉक्स 20 के करीब तो निकाल ही रहा होगा, बिकॉज ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए एमआईडी और रियल टैंक टू टैंक माइलेज में। वो हम चेक कर लेंगे अभी कि क्या डिफरेंस आता है, बट फिलहाल ये हमें 22.8 की माइलेज एफिशिएंसी दिखा रहा है, जो कि काफी अच्छी है। जिस तरह से अभी ट्रैफिक है, ट्रैफिक मैं ये नहीं बोलूंगा ज्यादा है, ट्रैफिक रनिंग ट्रैफिक है, कार मूव कर रही है धीरे धीरे और कहीं पे ट्रैफिक मिल रहा है कहीं पे नहीं मिल रहा, तो ट्रैफिक कंडीशन मॉडरेट है, पर फिर भी 22.5 की एवरेज निकाल के मुझे एमआईडी में शो कर रही है, जो कि काफी अच्छी एवरेज है मानूंगा। और अगर कंपनी बोल रही है कि स्मार्ट हाइब्रिड से आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो मैं मानूंगा अभी मुझे दिख रहा है फिलहाल कि इस ऑप्शंस के साथ, स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन के साथ, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा एफिशिएंसी में फर्क आया, फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हुई है कार की। तो अभी फाइनल जो कंक्लूजन है वो तो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा कि एक्चुअल में लास्ट में जाके हमें क्या एक्चुअल माइलेज रिसीव हुई है इस कार से, तो वो तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल जितना हमने रन किया है उसके बाद मेरे को जहां तक लग रहा है 22.6 एमआईडी में दिखा रहा है, तो अराउंड 20 के आसपास तो मुझे लग ही रहा है कि कार माइलेज दे रही होगी इस ट्रैफिक कंडीशन के साथ जो कि आगे हमारे को दिख रहा है। सो अगर 20 के आसपास भी कार अगर माइलेज निकाल रही है सिटी में, तो मैं बोलूंगा बुरा नहीं है, काफी अच्छी माइलेज निकाल के दे रही है कार। 1500 सीसी कार है और इस सीसी इंजन में इतनी माइलेज निकालना काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कार। सो अगर गाइस मैं स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन की बात करूं, तो मारुति के लिए ये मारुति फर्स्ट टाइम नहीं दे रही। मारुति ने स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन 2015 से स्टार्ट किया था अपनी कार में देना। सबसे पहले उन्होंने सियाज में दिया था ये ऑप्शन, एंड उससे पहले भी आता था, कई कंपनीज ऑफर करती थी। कैमरी में आपको ये ऑप्शन मिलता था, आपको होंडा सिटी में ये ऑप्शन मिलता था पहले, एंड अभी रिसेंट कार मारुति इसको अपने 5 कारों में ये ऑप्शन दे रही है। तो गाइस जैसे अभी आप एमआईडी में देख रहे हो, मैंने अभी 13.7 किलोमीटर इसको चला लिया है, जो अभी मुझे एवरेज शो कर रहा है वो 22 की एवरेज शो कर रहा है। और ट्रैफिक कंडीशन जैसे बताऊंगा, मैंने आपको पहले बताया था ट्रैफिक कंडीशन मॉडरेट है, मतलब ट्रैफिक कई जगह मिला है कई जगह खाली भी रही हुई रोड, तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के साथ मुझे अभी तक ये माइलेज शो कर रहा है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो अभी कार का एसी भी ऑन है और कार में जो अभी टेम्परेचर 25 पे सेट किया हुआ है, गर्मी लगने लग गई है, गर्मी अभी आई ही है तक से, तो 25 पे एसी चल रहा है। दो लोग कार में भी बैठे हुए हैं, ज्यादा ना कोई ऐसा कोई लगेज है ना कुछ वो है, बट दो लोग बैठे हैं कार में, एसी ऑन है और ट्रैफिक कंडीशन मॉडरेट है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है और कई जगह ट्रैफिक मिला भी है, तो मैं कहूँगा मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है। और इसके साथ अभी जो एवरेज शो कर रहा है एमआईडी पे वो कर रहा है 22.2 की, तो अभी और इसको चलाते हैं एंड देन फिर देखेंगे कि क्या फाइनल एवरेज हमें इस कार से निकल के आ रही है। एंड जो भी डाउट था इस कार की एवरेज को लेके आज सब क्लियर कर देंगे और बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये फाइनली हमें सिटी में क्या एवरेज दे रही है। तो मिलते हैं, इस कार को थोड़ा और चलाते हैं और फिर देखते हैं लास्ट में कि क्या एवरेज इससे निकल के आती है। सो गाइस फाइनली हमने इस कार को 26.1 किलोमीटर रन कर लिया है और ये जो भी एवरेज शो कर रहा है एमआईडी में 18.7 की कर रहा है। अब इसको रिफिल कराते हैं, देखते हैं कि हमारे को टैंक टू टैंक क्या एवरेज दे रही है। तो इसको रिफिल कराते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी टैंक टू टैंक एवरेज इसमें क्या निकली है। पेट्रोल फुल कर, हाँ ऊपर तक कर दो। ऊपर तक फिल करना, कितना आ रहा है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
ऑटो का ऊपर ही करो, ऊपर तक करो, ऊपर तक करो, बस ज़्यादा नहीं होगा। कितना आया? 8। सो गाइस अगर हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करूं तो हमने रन किया 26.1 किलोमीटर और जो हमारा रिफिल हुआ दोबारा वो हुआ 1.92 लीटर्स। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा, बड़ी शॉकिंगली एवरेज आ रही है इसमें 13.59 की, और वहीं अगर मैं MID में देखूं तो MID में मुझे 18.67 की एवरेज शो कर रहा है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा। MID और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है गाइस, इसमें मुझे 13.5 की एवरेज शो कर रहा है और वहीं MID में जो शो कर रही थी वो 18.56 ही कर रही थी। मैं मानता हूँ कि ट्रैफिक कंडीशंस बाद में ज़्यादा मिली थी मुझे, बट स्टिल फिर भी जो MID और जो एक्चुअल का डिफरेंस इतना नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा ऐसा क्यों दिखाया इसने मुझे और इतना डिफरेंस क्यों आया। अदरवाइज इतना डिफरेंस मुझे लगता नहीं इतना डिफरेंस आना चाहिए इनकी उसमें रियल में, बट इतना डिफरेंस आ रहा है। तो आई थिंक ये बड़ा ही क्वेश्चनेबल चीज़ है कि इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो बाकी मैं ट्राई करूँगा इसको दोबारा से एक बार करने का, ये टैंक टू टैंक हम दोबारा से निकालने की ट्राई करेंगे। बट मैं चाहता तो यार आपको ये वीडियो ना दिखाता या मैं कुछ और दिखाता, बट इस चैनल में जो चीज़ है वो चीज़ दिखाई जाती है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में मुझे टैंक टू टैंक आज जो माइलेज निकली है वो यही निकली है, इसीलिए मैं आपको यही दिखाना यही शो करना चाहता था कि एक्चुअल में मुझे ये माइलेज आई है इससे। तो अभी फ़िलहाल मुझे रीज़न समझ नहीं आया कि इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है, बट स्टिल देखेंगे इसको दोबारा से एक बार हम चेक करके। बट आई एम शॉक्ड यार ये इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है इस में, जबकि इतना डिफरेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डिफरेंस आएगा, बट पता नहीं इतना डिफरेंस कैसे आया। फिर भी गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।